फ्रंटलाइन काउंटर, टाटा स्टील, वेदांता, जेएसडब्ल्यू स्टील, जिंदाल स्टील, सबको निचले लेवल्स पे रिकमेंड किया और बहुत ही तूफानी तेजी हुई है उनमें। आज तो टाटा स्टील, जो कि अभी तक अपने टाटा स्टील यूरोप को बेचने की सोच रहा था, वहां पे एक्सपेंशन की बातें कर दी है टाटा स्टील ने। तो इस तरह की दमदार लॉन्ग टर्म स्टोरी है मेटल्स की। और मिड कैप मेटल स्टॉक्स भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, जैसे मैथन एलोएज, गोदावरी पावर, वर्धमान स्पेशल स्टील, इन सबको रिकमेंड किया है। तो आज जो एक मिड कैप स्टॉक मेरे रडार पे आया, मिड कैप क्या स्मॉल कैप स्टॉक है, 1500-1600 करोड़ की मार्केट कैप है, थोड़ी देर पहले चर्चा हो रही थी, सनफ्लैग आयरन स्टील, जो कि अभी 91 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। अनिल जी, बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस में सुधार आया है, जून क्वार्टर के भी नतीजे देखेंगे तो सॉलिड थे, 68 करोड़ का पैट आया, जो कि पिछले साल 15 करोड़ का नुकसान था। डेट इक्विटी रेशियो रेगुलर इंटरवल पे कम करते हुए 0.11 का ही अब डेट इक्विटी रेशियो है, स्ट्रॉन्ग रिटर्न रेशियोज है। और जिस तरह का एक स्टील सेक्टर के लिए आउटलुक बना है, मुझे लगता है ये स्टॉक यहाँ से बहुत ही शॉर्ट टर्म में अच्छे अपसाइड दिखाएगा। वैल्यूएशन के लिहाज से भी बहुत सस्ता है, 100 रुपए के शॉर्ट टर्म के टारगेट है, स्टॉप लॉस रखना है 86 रुपीज। स्टॉक का नाम है यूफ्लेक्स, जो कि अभी 528 के लेवल पर ट्रेड करता है, UFLEX के नाम से ये ट्रेड होता है एनएसई में। इंडिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट फ्लेक्सिबल पैकेजिंग कंपनी है, जिसके क्लाइंट्स आर स्प्रेड अक्रॉस 140 कंट्रीज। और क्लाइंट की लिस्ट देखेंगे तो इसमें प्रॉक्टर एंड गैम्बल, पेप्सिको, कोका कोला, टाटा ग्लोबल, लोरियल, ब्रिटेनिया, ये कुछ नाम है, बाकी मतलब इस तरह की इनकी क्लाइंट लिस्ट है। और कंपनी की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी स्प्रेड आउट है, इंडिया में तो है ये, इसके अलावा यूएई, मेक्सिको, पोलैंड, इजिप्ट, रशिया, यूएसए, इनमें प्लांट है। जून क्वार्टर के नतीजे आए थे, नतीजे बेहद ही दमदार थे, 264 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो कि पिछले साल 196 करोड़ का पैट था इस क्वार्टर में। फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, और रिटर्न ऑन इक्विटी 15%, डेट भी कम करता है ये कंपनी, अभी एक रीजनेबल लेवल पे 0.64 पे डेट इक्विटी रेशियो है इनका, और वो भी पिछले क्वार्टर से कम किया है। पिछले 3 साल का पैट का कैगर है 65%। मुझे लगता है वैल्यूएशन के लिहाज से बहुत ही सस्ता ये स्टॉक, इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे बिल्कुल खरीदना चाहिए। कई सारे म्यूचुअल फंड्स और FIIs भी इसमें इन्वेस्टेड है, जैसे LIC के पास 1.5% है, प्रोमोटर अराउंड 44% ओन करते हैं, प्लेज कुछ है नहीं। तो ऑल इन ऑल एक अच्छी क्वालिटी की कंपनी है, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 550 रुपए का, स्टॉप लॉस रखना है 515 रुपए का।